तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपेक्षा यह की कि सभी सर्वसम्मति से इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम को कानून बनाए, इसे पास करें। इस महिला आरक्षण बिल पर कैबिनेट की मंजूरी बीती रात मिल गई थी और इसको मिलने के बाद अब क्रेडिट लेने की होड़ भी लग गई है। सभी पार्टियां अपने दावे पेश कर रही हैं, मुद्दा चुनावी है, लिहाजा कोई पिछड़ना भी नहीं चाहता, बयानबाजी तेज है और पिछले करीब 26 वर्षों से प्रयास हो रहा है जो अब सफलता की ओर आगे बढ़ता दिख रहा है। वंदे 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 जो संसदीय इतिहास में आज तक नहीं हो पाया, अब उस सपने के पूरा होने की उम्मीद जगी है, विश्वास जगा है कि श्री गणेश के साथ ही नई संसद महिला शक्ति को सलाम करेगी। मुद्दा महिला आरक्षण बिल का है। नारी शक्ति को लेके आज एक बड़ा दिन है और यहाँ पे वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं, चेहरों पर मुस्कान है। देश से है प्रेम तो बस इतना ही कहना चाहिए, मैं रहूँ या ना रहूँ भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूँ या ना रहूँ भारत ये रहना चाहिए, मेरा नस नस तार कर दो और बना दो एक सिता राग भारत छेड़ो बार बार, हम सब मोदी जी के साथ है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट से एक दिन पहले ही महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिली, अब उस बिल का क्रेडिट लेने की होड़ लगी है। आज संसद पहुंची सोनिया गांधी ने भी अपना नजरिया साफ कर दिया।1996 में पहली बार महिला आरक्षण बिल को लाया गया था और उसे जेपीसी को भेजा गया था। तब से महिला आरक्षण की लड़ाई तेज हुई, अलग अलग सियासी दलों ने मुद्दे को उछाला, लेकिन अब तक इस पर अंतिम फैसला नहीं हो सका। अब मोदी कैबिनेट ने जब मुहर लगाई तो क्रेडिट लेने की होड़ लगी है। कांग्रेस कह रही है महिला आरक्षण बिल हमारी है, टीएमसी कह रही है ये ममता सरकार की योजना जैसी है, बीजेपी सारा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को दे रही है। ममता जी की स्वास्थ्य साथी देख के आयुष्मान भारत का सोचा मोदी जी ने, ममता जी की कृषक बंधु प्रकल्प देख के मोदी जी ने पीएम किसान निधि योजना सोचा, ममता जी की कन्याश्री देख के मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सोचा। अगर ममता जी की महिला आरक्षण बिल देख के वो बिलेटेड ही सही अगर सोचेंगे तो अच्छा है, लेकिन दुविधा कहाँ जाएंगे, करेंगे नहीं करेंगे, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, झूठ बोलने के लिए कमी थोड़ी है, जो आदमी झूठ बोलने के लिए तैयार, सरकार मेरी क्रेडिट कैसे ले लेगी, ये तो सोचने की बात है। अभी संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व महज 14% है। आरक्षण पर मोहर के बाद सूरत बदलेगी, सियासी समीकरण भी उलट पलट होंगे, लिहाजा सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का उस समय का सपना था तो साकार होगा तो श्रेय तो कांग्रेस पार्टी को जाएगा ही जाएगा। को लगता है कि 2024 में चुनाव आने वाला है तो जब वो ऐलान कर दो और फिर महिलाओं को कहो कहो कि देखिए हमको, हमने आपको रिजर्वेशन दिलवा दी आपकी एम्पावरमेंट के लिए। तो मैं ये तो हमेशा मोदी जी करते रहे हैं, सपने दिखाते हैं और साकार हो या ना हो। नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी महिला सशक्तिकरण के रोल मॉडल माने जाते हैं। हमने पंचायती राज में आरक्षण दिया, हमने बेटियों को साइकिल दिया, बेटियों के लिए नौकरी में सुअवसर दिया, आज पुलिस बल में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है, स्वयं सहायता समूह जो अति पिछड़ा दलित महिलाएं हैं देश में नंबर वन में हम हैं। तो ऐसी स्थिति में पार्टी वहाँ आरक्षण बिल का क्या प्रारूप आता है उसके बाद देखने के बाद ही पार्टी का संसदीय दल सक्षम है अपनी राय रख देगा। लोकसभा और आने वाले कुछ विधानसभा चुनावों से पहले महिला आरक्षण का दांव काफी अहम माना जा रहा है।
वोट किस करवट बैठेगा ये वक्त के हिसाब से तय होगा। लेकिन फिलहाल तो सभी पार्टियां एक सुर में महिला आरक्षण बिल को समर्थन की बात कर रही है। मौसमी सिंह और पॉलमी शाह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। अब से करीब डेढ़ घंटे पहले लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए एक बिल पेश किया गया है। बिल का नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। लोकसभा और दिल्ली समेत सभी विधानसभाओं में महिलाओं को इससे 33% आरक्षण देने का यह प्रस्ताव है, ये बिल है। लोकसभा में इस समय 82 महिला सांसद है। इस बिल के कानून बनने पर लोकसभा में कम से कम 181 महिला सांसद हो जाएंगी। इस बिल के जरिए महिला आरक्षण की अवधि 15 वर्ष की होगी। इस बिल को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में पेश किया। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से सर्वसम्मति से इस अधिनियम को पारित करने की प्रार्थना की। यह भी साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि इस शुभ काम के लिए ईश्वर ने उन्हें ही चुना। बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद हुए हैं महिला आरक्षण को लेकर। संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। आज जब महिलाएं हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं, तो बहुत आवश्यक है कि नीति निर्धारण में, पॉलिसी मेकिंग में हमारी माताएं, बहनें, हमारी नारी शक्ति अधिकतम योगदान दें, ज्यादा से ज्यादा योगदान दें। लंबे अरसे से चर्चा में रहा विषय है, अब इसको हमने कानून बना करके हमारे देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प। और इसलिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति बंधन अधिनियम संविधान संशोधन के रूप में लाने का सरकार का विचार है, जिसको आज लोकसभा में रखा गया है। कल लोकसभा में इसकी चर्चा होगी और इसके बाद राज्यसभा में भी आएगा। मैं आज आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि एक ऐसा विषय है जिसको अगर हम सर्वसम्मति से आगे बढ़ाएंगे
तो सांच अर्थ में वो शक्ति अनेक गुना बढ़ जाएगी। और जब भी बिल हम सबके सामने आए तब मैं राज्यसभा के सभी मेरे माननीय सांसद साथियों से आज आग्रह करने आया हूं कि हम सर्वसम्मति से जब भी उसकी निर्णय करने का अवसर आए आने वाले एक दो दिन में, आप सबके सहयोग की अपेक्षा साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं।